पॉइंट शॉट कवर इन द मिड ऑफ, इस तरीके से ऑफसाइड की व्यवस्था को सजाया गया है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज सज्जे होते हुए इसी बीच पहली गेंद, जयवंत की पहली गेंद, बेहतरीन गेंद रही, गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में डिलीवर होती हुई गेंद, इस डॉट के साथ साथ आगाज होता हुआ आज के दिन का। इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, गेंद को मात्र दिशा दी, सम्मानजनक स्ट्रोक इस एक रन के साथ यहां पर खाता जरूर खोला है बल्लेबाज सहदेव ने। श्री बिल्कुल सहदेव की अगर बात करें तो एक रन के साथ इन्होंने श्री गणेशा जरूर किया है अपनी टीम का, और अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने का उनका जो प्रयास है उसमें एक रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज है। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, अंपायर के इशारे का इंतजार हम तक के जरूर परिवर्तित होता हुआ, अंपायर का इशारा एक रनों के लिए परिवर्तित होता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 2 रन 3 गेंदें हो चुकी हैं, और अच्छी सूझबूझ के साथ जयवंत गेंदबाजी कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, अब तक के बड़े हिट देखने नहीं मिले इन 3 गेंदों में। इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव, क्लासिकल स्ट्रोक, कवर्स के खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक, लेकिन जब तक के कवर करते गेंद को आकर दूसरे खिलाड़ी 2 रनों की दौड़ लगी और कामयाबी बल्लेबाजों के कदम चूमती हुई, इस 2 रन के साथ इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है लगभग 4 रनों पर। 4 गेंदे 4 रन जयवंत अब तक के खर्च कर चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी आना शेष। इसी बीच ये गेंद इस वक्त तेज तर्रार गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो दुर्घटना घट सकती थी, विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन चलिए भाग्यशाली रहे गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। इस डॉट के साथ साथ एक अच्छा कमबैक करने की मुहिम कोशिश जारी है गेंदबाज जयवंत की। इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतरीन रही, और इस एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जय मल्हार मुगरपाड़ा की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 5 रन बिना कोई विकेट गवाए। पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, अब दूसरे पावर प्ले में आपको 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात करने हैं। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा नरिश स्पोर्ट्स कासरवाड़ोली वर्सेस पुरुष मात्र भाईंदरपाड़ा, दोनों ही टीम के कैप्टन्स आपको अपनी टीम को लेकर रेडी पोजीशन में रहना है। पुरुष मात्र भाईंदरपाड़ा वर्सेस नरिश स्पोर्ट्स कासरवाड़ोली, कोई चालू कर दो जी बंदिया एसपी सतीश पाटिल अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं, एक अनुभव से भरपूर। बिल्कुल हमने कहा था 40 प्लस में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी टफ दिया है प्रोफेशनल खिलाड़ियों को, उसमें से एक ये सितारा एसपी यानी संदीप, बिल्कुल सतीश पाटिल सतीश पाटिल एक अनुभव से भरपूर खिलाड़ी, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये कासरवाड़ोली का एक बड़ा सितारा माना जाता है, और अब देखने वाली बात यह है कि 40 प्लस में इनका परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा। सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से बल्लेबाज देवानंद ने बेहतरीन स्ट्रोक जड़ दिया, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर जरूर देखने मिला। जयवंत के माध्यम से शॉर्ट कवर्स पर खड़े हैं और हाथों के बाजू से गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आशा भरी निगाहों से गेंद को फील करने की चाहत में थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ हाथों से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एसपी की अगली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, पैरों से गेंद को रोकने में कामयाबी मिलती हुई, दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई, नजदीकी मामला हो सकता है, और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका यहां पर लगता हुआ जय मल्हार मुगरपाड़ा की टीम को।
पहला झटका लगा है, लेकिन रनों की रन संख्या की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जय मल्हार मुगरपाड़ा की टीम का। न्यू बैट्समैन नितिन, अनुभव से भरपूर एक बेहतरीन खिलाड़ी नितिन। रमाकांत पाटिल सर, रमेश पाटिल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आना है आपको वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाने के लिए, वॉक फील के आइए सर, स्टेज के ऊपर आना है आपको। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज सतीश, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, बेहतरीन स्ट्रोक का, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट के क्षेत्र में, दो रनों के लिए दौड़ लगती हुई, दो रन यहां पर मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, रनिंग बिटवीन द विकेट काबिले तारीफ। लेकिन फील्डिंग की अगर बात करें तो जिस तरीके से टॉस जीतने के बाद उनके गेंदबाजों पर भरोसा किया गया, उनके खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया, उस तरीके की फील्डिंग का प्रदर्शन इस वक्त नहीं देखने मिल रहा है शेडोबा स्पोर्ट्स कासरवड़ौली की टीम की ओर से। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार सतीश, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फिर से एक बार खराब फील्डिंग और दो रन का इजाफा जरूर होता हुआ। इस दो रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, दो गेंदे अभी भी आना शेष, दो गेंदे अभी भी आना बाकी। इस बार बैकफुट पर जाकर लेग कट करने का प्रयास, मोटा एज लेकर गेंद गई थर्डमैन के क्षेत्र में, लेकिन एक रन लेने में कामयाबी जरूर मिलती हुई। नितिन की अगर बात करें तो बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हर गेंद पर रन लेना है तब जाकर एक टारगेट, एक बेहतरीन टारगेट सेट किया जा सकता है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त नितिन के माध्यम से जरूर देखने मिल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार सतीश अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, पावरफुल किया है, लेकिन गेंद जब तक के फील्ड की जाती, रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रनों के लिए दौड़ लगती हुई और कामयाबी बल्लेबाजों के हिस्से आती हुई। इस दो रन के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, दो ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जय मल्हार मुगरपाड़ा की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 17 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 17 रन दर्शाता हुआ। अब गेंदबाजी में थोड़ा सा फेरबदल, बिल्कुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त जयवंत ने। नितिन बल्लेबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए, इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, बेहतरीन कट, एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद परिवर्तित होती हुई। काफी चतुराई भरे बल्लेबाज है ये तो मैं जरूर कहूंगा नितिन, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गेंद पर सिंगल डबल लेना जरूरी, जिस तरीके से मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, उसी तरीके से क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल रन, ये चीज उन्हें पता है और वही चीज के अनुसार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी लोकल टॉस गेंद थी, जगह बनाकर खेलने का प्रयास, सफल होकर खेलने का कोशिश, दो रनों के लिए दौड़ लगती हुई, यहां पर थ्रो बेहतरीन रहा, अंपायर के इशारे का इंतजार, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट के रूप में परिवर्तित होता हुआ और रनिंग बिटवीन द विकेट 40+ के खिलाड़ियों को देखिए क्या दौड़ लगाते हैं, लाजवाब। बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से स्कोर बोर्ड पर स्कोर फेरबदल करता हुआ 20 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार
जयवंत इस बार फिर से एक बार कट करने का प्रयास, गेंद जाती हुई बिल्कुल डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। 40 प्लस की अगर बात करें तो वाकई में 40 प्लस के सभी खिलाड़ियों ने दिल जीता, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा उनका, शानदार परफॉर्मेंस के माध्यम से। और बिल्कुल आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन काफी मैचेस हैं, काफी बड़े बड़े मैचेस हैं, शानदार मैचेस हैं, और आज के दिन हम बड़ी टीमों को परफॉर्मेंस करते हुए इस ग्राउंड पर जरूर देखेंगे। जयवंत समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना बॉलर्स, फील्डिंग टीम कैप्टन, क्योंकि हमें और भी मैचेस करानी है, तो प्लीज सहयोग करें, सपोर्ट करें। जयवंत की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं और यहां पर विकेट का पतंग होता हुआ। नितिन जैसे सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए, नेक्स्ट मैच नरेश स्पोर्ट्स कासर वडोली वर्सेस पोष मात्र भाईंदर पाड़ा, दोनों ही टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पोष मात्र भाईंदर पाड़ा कैप्टन, आपको संपर्क साधना है कमेंट्री बॉक्स पे, आपका पहला मुकाबला यहां पर रखा गया है। अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। नरेश स्पोर्ट्स कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कप्तान संदीप भोयल आना है टॉस के लिए, ताबड़तोड़। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से खेलने का मन बनाया, एक रन के साथ पहले अपना अकाउंट ओपन किया विनायक ने, और एक रन के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखी है। अब उन्हें पता है बची हुई जो 12 गेंदे हैं इस पर प्रहार करना है, गेंदबाज पे अत्याचार करना है, जब जाकर कुछ एक टारगेट सेट हो पाएगा। क्योंकि विनायक की अगर बात करें कैपेबल बैट्समैन है, बड़े हिट लगाने में माहिर है, अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, और इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस की जरूरत है 40 प्लस की टीम को। सुनियानीत पहिला राउंड घेतले ना उठत नाही। नरेश स्पोर्ट्स कॅप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो प्लीज ताबडतोब आपको संपर्क साधना है हमसे। यांची काय फालती जाते, कोण आहे मानकुल करांची हॅलो ना यांनी केली ना दिपू माली लोन आवडायला पाहिजे, दरवर्षी टाइम सेपरेट एकदम त्यांचाच राज ना, कोण नाही कोणत्या तरात देवाला इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट के क्षेत्र में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच यहां पर खेला जाएगा, नरेश स्पोर्ट्स कासर वडोली वर्सेज पोष मात्र भाईंदर पाड़ा, आने वाले वक्त में हम जरूर देखेंगे पोष मात्र भाईंदर पाड़ा की ओर से एक बेहतरीन आन बान शान की ट्रॉफी रखी गई है। कुछ ही दिन बाकी है अगले महीने की, 13, 14, 15, 16 ये डेट उन्होंने कंफर्म की है, सीजन लगभग बिल्कुल काफी सीजन से वो टूर्नामेंट चालू है। इस बार मेंस डाइविंग स्ट्रोक गेंद हवा में और ये कैच छूटा और चांस बना रन आउट का, ओ हो अब टेंशन, बड़ा विकेट आप लगता हुआ, गलती किसकी यहां पर अगर फैसला किया जाए तो गलती किसकी, पहला तो कैच ड्रॉप हुआ
लेकिन यहाँ पर सतीश पाटिल की प्रशंसा करनी होगी, क्या बिजली की रफ्तार से गेंद को फेंक दिया और जो स्टंप से लगाया लाजवाब रहा और एक बड़ा विकेट, यही कहा जाएगा विनायक जैसे एक होनहार बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। स्ट्रोक वितरण, ये सबसे पहले अगर आप कोचिंग पर जाते हो, कोई ट्रेनर के पास जाते हो, तो वहां पर बताया जाता है कि आपको स्ट्रोक विद रन लेना है, पहले बैट पे गेंद लगे उससे भागो, भागने के बाद एक रन तेजी से कंप्लीट करो। वहां पर ये गलती जरूर देखने मिली, विनायक ने कैच छूटने के बाद दूसरे रन की कोशिश ही नहीं की, अगर वो कोशिश करते तो कामयाबी उनके हाथ लग सकती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों को अगर सही तरीके से सुधारने में कामयाब हो गई ये टीम तो फिर जाकर इस मैच में जीत हासिल कर सकती है। लेकिन चलिए, एक विकेट गिरा है, बड़ा विकेट मिला है और बड़ा विकेट वो भी यहाँ पर विनायक जैसे एक खिलाड़ी का मिला है। अब उनकी जगह, उनकी कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज को भेजा जा रहा है ग्राउंड के अंदर, हरीश चंद्र। इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल उछाल के साथ साथ गति का मिश्रण जरूर देखने मिला, बल्लेबाज बल्ले को स्विंग करते हुए नजर आए, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में टॉप के रूप में। इस बार ये गेंद, इस बार उसी तरीके का दृश्य, फिर से एक बार गेंद डॉट होती हुई, इस डॉट के साथ साथ एक अच्छा कम्ब बैक करते हुए गेंदबाज, विलास 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 की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है विलास की। अगली गेंद, एक और गेंद डॉट, और यहां पर स्टंपिंग के रूप में विकेट का खत्म हुआ। और बात करें हरिचंद्र की, तो बिल्कुल शून्य के औसत पर तीन गेंदों का सामना किया और शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की राह लौटते हुए। स्कोर की अगर बात करें तो मानो स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 26 रनों पर रनों की रन संख्या मानो थम सी गई है। और जब से विनायक आउट हुआ बिल्कुल थोड़ी सी टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर तैयार, विलास अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, लगभग चार ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जय मल्हार मुगरपाड़ा 40 प्लस की टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 27 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद 4 विकेटें जा चुकी हैं और 4 विकेटों के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन। अंतिम और आखिरी ओवर इस वक्त जारी होने जा रहा है। इस ओवर को मुंबई की भाषा में कहा जाता है तोड़ फोड़ ओवर। इस ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त वो रनों के भूखे होंगे। इस वक्त अगर उनका बल्ला चलता है तो टारगेट एक अच्छा सेट जरूर देखने मिलेगा, अगर इस वक्त बल्ला नहीं चला तो फिर एक लो स्कोरिंग मैच जरूर देखने मिलेगा। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, तेज तर्रार गेंद, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करती हुई गेंद और एक और झटका मुगरपाड़ा की टीम को जरूर लगता हुआ और एक और विकेट जरूर गिरता हुआ। नरेश स्पोर्ट्स कैप्टन, टॉस के लिए आना है आपको यहाँ पर, ताबड़तोब संदीप भोयल, अगर आपके कैप्टन या आप खुद कप्तान बन रहे हैं तो प्लीज आ जाइए टॉस के लिए, क्योंकि टॉस की प्रक्रिया एक इनिंग की समाप्ति के बाद हम यहां पर पूरी करेंगे। सभी टीमों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जो समय दिया गया है उस समय पे आपको अपनी उपस्थिति यहां पर दाखिल करानी है, नहीं तो फिर आपको आज के दिन पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अनुसार आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है। अगली गेंद लेकर तैयार,
रमन इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद डीप बैकवर्ड्स कर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए खूबसूरत चौका। थोड़ा सा शफल हुए, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, हलचलाहट विकेटों के बीच में देखने मिली, गेंद उनकी रेंज में आई। राजा शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, पुल किया, पावरफुल किया, डिस्टर्ब होते किया और सक्सेसफुल किया चार रनों के लिए। इस चार रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31-31 रनों पर। अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज रमन, विष्णु इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए एक चौके की मदद से अपना खाता खोला है। विष्णु ने, विष्णु से आशा और उम्मीद होगी जरूर कि कुछ बड़े हिट इनके बल्ले से जरूर देखने मिले। इस बीच ये गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट पुल, लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और खूबसूरत कैच का पतन होता हुआ और विष्णु की इनिंग की समाप्ति। दूसरी गेंद पर ही अपना शिकार यहाँ पर रमन ने बनाया विष्णु को और विष्णु की इनिंग की समाप्ति होती हुई विष्णु पवेलियन की राह लौटते हुए। अब देखने वाली बात यह है कि विष्णु की कमी पूरी करने के लिए किसे भेजा जाता है। न्यू बैट्समैन महेंद्र, महेंद्र को भेजा गया है। हट्टे कट्टे शरीर के हैं, लंबे हिट लगाने में जरूर माहिर होंगे, लेकिन अगर बात करें विष्णु की तो विष्णु ने दो गेंदों में चार रन बनाए और पवेलियन की राह लौटते हुए नजर आए। रमन की अगर बात करें तो बेहतरीन वापसी कराते हुए एक विकेट, दो विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, कीपर की थोड़ी सी चूक, दो रनों के लिए दौड़ लगाना चाहेंगे जरूर, नसीबी मामला हो सकता है, हाना के इशारे, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट। चतुराई पूरी तरीके से यहाँ पर देखने मिली, कहाँ पर कवर करना है, कहाँ पर बैकअप करना है, कहाँ से गेंद को रिसीव करना है, ये चीज का मिश्रण इस वक्त मैं जरूर बताना चाहूंगा। शेडोबा स्पोर्ट्स कासर वड़ोली की टीम बहुत ही बढ़िया करती हुई नजर आई। चलिए एक रन जरूर मिला है, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर। 40 के आसपास अगर ये टारगेट सेट होता है तो फिर एक फाइटिंग मैच जरूर देखने मिलेगी। इस बीच ये गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, पावर जनरेट कर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस इनिंग की अंतिम और आखिरी गेंद रमन की अनाशेष, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज सौदेव। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे सौदेव। इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, एक रन के लिए दौड़ तो जरूर लगी है। गेंद शरीर से जा टकराई थी, लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और लेग बाइस के साथ साथ एक रन जरूर खाते में जुड़ता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर। जीत के लिए लक्ष्य यहां पर रखा गया है शिंडोबा स्पोर्ट्स कासर वड़ोली की टीम के लिए, लगभग 34 यानी 34 रन बनाने होंगे, 34 रन बनाने होंगे इस, माफ कीजिए 35 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। अगर इस मैच को जीत में तब्दील करना है तो 31 35 रन कंपलसरी आपको बनाने हैं। चलिए टॉस के लिए आना है,